हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन एट होम। टुडे वी डिस्कस क्लास 10th चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी, एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड द चैप्टर फुली बिकॉज आई गिवन द वीडियो इन सिंपल सेंटेंसेस और इन सिंपल लैंग्वेजेस ऑफ चैप्टर 2 समरी एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एंड ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर्स द होल चैप्टर्स, बट टूडे वी डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, what did being free means to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitive freedoms with the basic and honorable freedoms? First of all, students, we have to understand the question. Mandela describes two types of freedoms, transitory freedoms and honorable freedoms. And what is transitory freedoms? What did being free means to Mandela as a boy and as a student? And now first question is, Mandela ka kya meaning hai free hone ka ek boy ke roop mein aur ek student ke roop mein? Means kya hai? Ek boy aur students ke roop mein Mandela ke liye freedom kya hai? How does he contrast these transitive freedoms? और किस तरह से वो कंट्रास्ट क्रिएट करता है, विरोधाभास क्रिएट करता है ट्रांजिटिव फ्रीडम्स में और ऑनरेबल फ्रीडम्स में? एज अ बॉय, एक बॉय के रूप में बीइंग फ्री मीन्स टू मंडेला टू रन इन द फील्ड नियर हिज मदर्स हट। मीन्स एक बॉय के रूप में फ्रीडम क्या हो सकती है? आप जैसों के लिए भी, जैसे आपकी एज है ऐसे भी आपके लिए फ्रीडम क्या है? अरे, कोई पढ़ाई के लिए ना डांटे, जहाँ चाहे वहाँ जाए, जो मूवी देखना चाहे वो मूवी देखे, तो ये सब क्या है? फ्रीडम आपके लिए, उसी को फ्रीडम समझते हो, क्योंकि आपको अभी रियल फ्रीडम का नहीं पता। एज अ बॉय बीइंग फ्री मीन टू मंडेला टू रन इन द फील्ड, तो इसी तरह से मंडेला जब एक लड़का था तो उसके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था? टू रन इन द फील्ड, फील्ड में भागना, नियर हिज मदर्स हट, उसकी मदर के झोपड़ी के पास भाग करके जाना, टू स्टे आउट एट नाइट, और घर से बाहर रहना रात के टाइम पे, टू स्विम, तैरना, एंड टू बी एबल टू रीड, और वही चीज़ें पढ़ना व्हाट ही प्लेस्ड, जो उसको खुश करती थी। हाउएवर दीज वर द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, तो स्टूडेंट्स इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करना क्या है? मंडेला के लिए फ्रीडम है, यानी कि खुले खेतों में घूमना, अपनी मदर के पास भाग करके हट के पास जाना, रात भर घर से बाहर रहना, जैसे आप किसी फ्रेंड्स के घर रुक जाते हो रात भर तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, और यही आपके लिए फ्रीडम है, और मंडेला भी एक बॉय के रूप में यही फ्रीडम चाहता था। हाउएवर देयर वर द दीज वर द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, जबकि ये ट्रांजिटरी फ्रीडम्स है। अब बात आती है कि ऑनरेबल फ्रीडम्स कौन सी है। ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है ट्रांजिटरी फ्रीडम्स में और ऑनरेबल फ्रीडम्स में। ऑनरेबल कौन सी फ्रीडम्स? सम्माननीय, जो सम्मान के जनक है, जो रिस्पेक्टेबल है, उस फ्रीडम की बात हम कर रहे हैं जो हमारे लिए मूलभूत है। बाई सेइंग दैट वट एवर ही थॉट एज ए बॉय और एज अ स्टूडेंट वॉज नॉट रियल फ्रीडम, तो जो ऑनरेबल फ्रीडम की बात की गई है वो फ्रीडम नहीं है जो कि एक बॉय के रूप में सोची जाती है, जैसे मंडेला एक बॉय के रूप में सोचता है, एक स्टूडेंट के रूप में सोचता है, वो रियल फ्रीडम नहीं है। वो कौन सी फ्रीडम है? ट्रांजिटरी फ्रीडम्स है। द ऑनरेबल फ्रीडम वॉज द फ्रीडम्स फॉर द पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन ऑनरेबल फ्रीडम कौन सी है? वॉज द फ्रीडम, वो फ्रीडम है फॉर द पीपल, लोगों के लिए फ्रीडम्स है, टू लिव देयर लाइव्स, कि वो अपनी ज़िंदगी जिए विद डिग्निटी, एक सम्मान के साथ, एक प्रतिष्ठा के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्म सम्मान के साथ।
प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के साथ लोग जिंदगी जिए वही क्या है ऑनरेबल फ्रीडम्स है। ऑनरेबल फ्रीडम्स का मतलब क्या हुआ, नॉट इंडिविजुअल्स फ्रीडम बट इट इज़ अ कॉमन फ्रीडम्स फॉर ऑल, ये सब लोगों की फ्रीडम के लिए है ऑनरेबल फ्रीडम्स। तो इसका रियल मीनिंग्स ऑनरेबल का क्या हुआ, कॉमन रूप से जो फ्रीडम है वही ऑनरेबल फ्रीडम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। तो लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने अटेंड द इनॉग्रेशन, उस समारोह को अटेंड किया, उस इनॉग्रेशन समारोह को अटेंड किया, तो क्यों किया, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायंफ ऑफ, वो किस विजय की प्रतीक थे, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायंफ ऑफ, ये जो इनॉग्रेशन थी ये किसकी विजय थी, किस चीज़ की इनॉग्रेशन थी। अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो थे उन्होंने इनॉग्रेशन को अटेंड किया। बिकॉज साउथ अफ्रीकन पीपल हैव गॉट फ्रीडम, क्यों आए थे भाई वो, क्या चीज़ अटेंड करने आए थे, इनॉग्रेशन अटेंड करने आए थे, बिकॉज साउथ अफ्रीकन पीपल हैव गॉट फ्रीडम फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन एंड डिप्राइवेशंस, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोगों को स्वतंत्रता मिली थी किससे, रेस्ट्रिक्शन से, बंधनों से, डिप्राइवेशन, तुच्छता से, अधिकारों, उनको अपने अधिकार मिल गए थे। डिप्राइवेशन क्या होता है, किसी चीज़ से वंचित होना, तो वो किससे वंचित थे, अपने अधिकारों से, अपने राइट्स से वंचित थे, तो वो उनको मिल गए थे। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट विद अ ग्रेट विक्ट्री, नेल्सन मंडेला पहले प्रधानमंत्री बने थे और ये ब्लैक प्रेसिडेंट थे विद अ ग्रेट विक्ट्री, एक बहुत बड़ी विजय के साथ। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड विल कम टू एन एंड, जो नीति बनाई गई थी रंग भेद की, अपार्थाइड क्या होता है ये हमने समरी में भी डिस्कस किया था और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड विल कम टू एन एंड, और रंग भेद की ये नीति जो थी वो एंड हो गई थी। दे आर नो लॉन्गर आउटलास, अब ये कानूनों से ये बाहर ज़्यादा दिन तक नहीं थे। इट सिग्निफाइड द ट्रायंफ ऑफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट सिग्निफाइड, ये किसका प्रतीक है, ट्रायंफ ऑफ जस्टिस, न्याय का, पीस, शांति का, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय सम्मान का। इट ऑल्सो सिग्निफाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलिटिकल इंडिपेंडेंस, ये किस एक और चीज़ का ये सिंबल है, सिग्निफाइड है, एक और चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, किसके लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ पोलिटिकल इंडिपेंडेंस, राजनीतिक स्वतंत्रता की महत्ता को भी ये सिग्निफाई करता है, ये क्लियर करता है राजनीतिक महत्ता की इम्पोर्टेंस को, उसकी महत्व को ये डिफाइन करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, व्हाट डज मंडेला मीन, मंडेला का क्या अर्थ है, व्हेन ही सेज, जब वो ये बात बोलता है। स्टूडेंट्स, इट इज़ द टेक्स्टुअल लाइन्स, सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, एंड वी हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइन। मंडेला क्या कहता है कि सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, कि वो संक्षिप्त रूप से एक योग है, एक जोड़ है उन अफ्रीकन पेट्रियट्स का, उन अफ्रीका के उन देशभक्तों का, हु हैड गोन बिफोर हिम, जो उससे पहले चले गए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी है, ये उनका क्या है, सम है। मंडेला सेज, मंडेला कहता है, ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स। मंडेला ने क्या कहा कि दिस इट इज़ द टेक्स्टुअल लाइन, सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, कि वो तो सिंपल एक क्या है, एक संक्षिप्त रूप से अफ्रीकन पेट्रियट्स, अफ्रीकन जो देशभक्त हैं उनका एक सम है, उनका एक जोड़ है। वो हैड गोन बिफोर हिम, जो उससे पहले चले गए, जो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया अपने देश के लोगों के लिए, मैं तो सिर्फ उसका एक जोड़ हूँ। ही मीन्स द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिज पीपल, इसका मतलब किससे, अफ्रीकन पेट्रियट्स का मतलब अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हिज पीपल, उन हजारों लोगों के अकल्पनीय जिनके बलिदान को के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती, उससे उसका मतलब है, उन लोगों की बात कर रहा है, उन थाउजेंड लोगों की जिन्होंने अपना अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया है।
द वैल्यू ऑफ देयर सेक्रीफाइस कैन नॉट बी काउंटेड, और उनके लाइफ की जो वैल्यू है, उनके बलिदान की जो वैल्यू है, कैन नॉट बी काउंटेड, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। ही हैज़ टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम द अफ्रीकन पेट्रियट्स, और उन्होंने ये इंस्पिरेशन, इन्होंने ये प्रेरणा कहाँ से ली? मंडेला ने ये प्रेरणा उन अफ्रीकन पेट्रियट्स से ली, उन देशभक्तों से ली। लाइक द पेट्रियट्स ही ऑल्सो अंडरवेंट डिफ़िकल्टी, और उन्हीं देशभक्तों की तरह मंडेला ने खुद भी अंडरवेंट डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा समस्याएं भी झेली, टॉर्चर्स, दुख भी झेले इन ही स्ट्रगल, अपने उस संघर्ष के अंदर अगेंस्ट स्लेवरी, जो दास्ता के विरुद्ध जो इन्होंने ये संघर्ष चलाया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और टॉर्चर्स को सहन किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ करेक्टर, क्या तुम भी सहमत हो डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब ये ऑपरेशन वाला सीजीरियन से नहीं है, बल्कि ये वाला ऑपरेशन कौन सा है, इट्स स्पेलिंग इज़ डिफरेंट, एंड ये वाला जो ऑपरेशन है वो किससे है, अत्याचार से है, क्रुएलिटी से है। द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, क्रुएलिटी की जो गहराई है, अत्याचार का जो गहरा घाव है, क्रिएट्स हाइट्स ऑफ करेक्टर, वो करेक्टर को उतनी ही ऊपर ले जाता है जितना ज़्यादा घाव है। मीन्स क्या है कि जितनी हम प्रॉब्लम्स फील करते हैं, हम उतने स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हैं। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, मंडेला इसको कैसे चित्रित करता है, इलस्ट्रेट कैसे करता है? कैन यू ऐड सम ओन एग्जांपल्स टू दिस आर्गुमेंट, क्या कोई और एग्जांपल्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं इस आर्गुमेंट को क्लियर करने के लिए? यस कर सकते हैं हम ऐसा, आई वुड एग्री, हम एग्री भी हैं दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ करेक्टर। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्रुएलिटी की जो गहराई है वो करेक्टर को उतनी ही ऊंचाई तक ले जाती है। इट इज़ सैड, ये कहा गया है दैट डिफ़िकल्टीज टेस्ट ए मैन, कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मनुष्य का टेस्ट लेती हैं, टेस्ट करती हैं मनुष्य को। द मोर ए मैन सफ़र्स, एक आदमी जितना ज़्यादा सफ़र करता है, द मोर डिटर्मिंड ही बिकम्स टू गेट यूर एम, वो उतना ही ज़्यादा सशक्त बन जाता है, डिटर्मिन, निश्चित कर लेता है टू गेट योर एम, और अपने एम्स के प्रति वो उतना ही पक्का बन जाता है। स्ट्रगल मेक्स अ पर्सन स्ट्रोंग, स्ट्रगल व्यक्ति को स्ट्रोंग बनाता है। द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसुलस एक्सेट्राज, तो देर आर सम पर्सनैलिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर एंड दीज आर द ग्रेट लीडर्स हु हैज़ गोन, ये वो वाले लीडर्स हैं जो इस चैप्टर में मेंशन किए गए हैं, और जो इनका नाम उन महान हस्तियों में लिया जाता है जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। तो डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, अत्याचार के इस घाव ने ही क्या प्रोड्यूस किए, ओलिवर टेम्बो जैसे व्यक्ति को, वाल्टर सिसुलस जैसे व्यक्ति को इन्होंने जन्म दिया। दीज मैन वर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरोसिटी, ये ऐसे आदमी थे जिनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होता है, असाधारण करेज था। करेज क्या होता है, साहस, विजडम बुद्धिमता, जनरोसिटी उदारता, मीन्स काइंड हार्टेड। तो ये वो आदमी थे, असाधारण साहस वाले, बुद्धि वाले और काइंड हार्टेड थे, दयालु थे, उदारता की मूर्ति थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अर्लियर क्वेश्चंस। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग, मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रीडम के बारे में, वो चेंज हो जाती है एज और एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ। देखो, मंडेला ने खुद कहा है कि उसके लिए ट्रांजिटरी फ्रीडम्स है, ऑनरेबल फ्रीडम्स है। पहले वो डिफाइन करते हैं ट्रांजिटरी फ्रीडम्स को, तो ये उसकी कब की एज की है, अर्लियर एज की है, और जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाती है, वो एक मैच्योर्ड पर्सन बन जाता है, तो उसकी जो फ्रीडम के बारे में जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। पहले वो अपने लिए स्वतंत्रता चाहता है, खुद के लिए फ्रीडम चाहता है, फिर वो किसके लिए चाहता है, ऑल अफ्रीकन पीपल, सब लोगों के लिए, सब अफ्रीका के लोगों के लिए वो फ्रीडम चाहता है। नाउ दिस क्वेश्चन,
this question's answer. It is truth that Mandela's understanding of freedom changed with age and experience. मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एज और एक्सपीरियंस के साथ चेंज हो जाती है. इट इज़ राइट, ये बिल्कुल ठीक है. इन चाइल्डहुड में क्या करते थे, हिज फ्रीडम वॉज ट्रांजिटरी. अभी अभी मैंने आपको बताया कि उनकी जो फ्रीडम थी वो कैसी थी, ट्रांजिटरी थी, क्षणिक थी. ट्रांजिटरी क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए जो चीज़ होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए थी, ट्रांजिटरी थी. ही थॉट दैट ही वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे. वो ये सोचता है कि जो उसका जन्म है वो किस लिए है, हर तरह से फ्री होने के लिए है, हर तरह से वो फ्री है, उसका जन्म फ्री होने के लिए हुआ है. इट मीन्स वट एवर ही वॉन्टेड, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी वो चाहता है ही कुड डू, वो कर सकता है. दैट इज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स. नाउ ही वॉज मैच्योर, लेकिन अब वो मैच्योर हो गया है. ही केम टू नो द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, उसको रियल मीनिंग का पता चल गया कि फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या है. He understood that he could not be happy. वो ये भी समझ गया है कि he could not be happy, कि वो happy नहीं हो सकता until all the blacks were free from the discrimination on the basis of their color. वो जब तक free नहीं हो सकता, जब तक जो black लोग हैं वो free नहीं हो जाते उस discrimination से, उस भेदभाव से, on the basis of their color, जो color के बेस पे जो भेदभाव है उससे वो free नहीं हो जाते, तब तक मंडेला भी अपने आप को free feel नहीं करता. It means क्या है, the responsibility, it has become the responsibility of all black people. He is responsible for all African people. फिर क्या कहता है, ही फेल्ट सफरिंग्स ऑफ द ब्लैक पीपल, उसने उन ब्लैक लोगों की सफरिंग्स को फील किया. वर द सफरिंग्स ऑफ हिमसेल्फ, जो उसकी खुद की सफरिंग्स बन गई थी. सो ही स्टार्टेड थिंकिंग मोर अबाउट हिज कंट्री पीपल, अब उसने सोचना शुरू कर दिया था अपने देश के लोगों के बारे में, ना कि इंडिविजुअल के बारे में. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, How did Mandela's hunger for freedom change his life? किस तरह से मंडेला की जो स्वतंत्रता के प्रति जो भूख थी वो उसकी लाइफ को चेंज कर देती है. Mandela's hunger for freedom changed his life as it transformed a frightened young man. मंडेला की जो फ्रीडम के प्रति जो हंगर थी, जो भूख थी, उन्होंने लाइफ को चेंज कर दिया. क्यों? एज इट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड यंग बॉय, उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. ट्रांसफॉर्म करना चेंज करना, ट्रांसफॉर्म कर दिया अ फ्राइटन्ड यंग बॉय, एक फ्राइटन्ड यंग बॉय से इनटू अ बोल्ड वन, एक बोल्ड व्यक्ति बना दिया. कैसा था स्टार्टिंग में, फ्राइटन्ड था, और उसको कैसे कन्वर्ट कर, किस में कन्वर्ट कर दिया, बोल्ड में. फ्रॉम अ फैमिली लविंग हस्बैंड कन्वर्टेड इंटू अ मोंक, और एक ये फैमिली लविंग हस्बैंड था, अपनी फैमिली से लव करने वाला था, और ये क्या बन गया, एक मोंक बन गया, साधु सन्यासी बन गया. अब इसका अपनी फैमिली से किसी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं रही, इसकी फैमिली क्या बन गई, इसका पूरा देश इसकी फैमिली बन गई, और उसी के लिए ये काम करने लगा. तो ये क्या बन गया, इन्होंने लाइफ किसकी, कौन सी लाइफ जी, एक मोंक की, एक साधु की. एंड ला अबाइडिंग अटोर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और एक आदेशों का पालन करने वाले व्यक्ति से ये क्या बन गए, क्रिमिनल बन गए, अपराधी बन गए. ही ऑल्सो फेल्ट, इन्होंने ये भी फील किया दैट ही कुड नॉट बी फ्री इफ हिज ओन पीपल वर नॉट फ्री, वो जब तक फ्री नहीं है जब तक उसके देश के लोग फ्री नहीं हैं, उसने ये भी कहा. ही ऑल्सो सैड, उसने ये भी कहा दैट फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, उसने कहा कि फ्रीडम को इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, कॉमन फ्रीडम चाहिए, इंडिविजिबल कहा. द चेंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे किसी भी देश के लोगों के ऊपर बंधनों का मतलब क्या है, वर द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम, किसी एक व्यक्ति के बंधन ही पूरे देश के लोगों के बंधन हैं. दीज आइडियाज़ चेंज्ड हिज लाइफ, और इस तरह के जो विचार थे उन्होंने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया. तो मंडेला ने लास्ट में क्या कहा है कि किस, अगर मेरे देश का एक व्यक्ति भी दुखी है, अगर मेरे किसी भी मेरे देश के लोगों को किसी एक को भी दुख है, तो वो दुख उसका ही नहीं है, वो दुख मेरा भी है.
तो उन्होंने सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली और लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किए, तब जाके वो क्या बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, और उन्होंने लोगों को इक्वलिटी का लेसन उनको सिखाया। तो ये थे फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आंसर्स। मे बी यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।